दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में आया सूर्य कुमार यादव का तूफान, लगा दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार की बैटिंग का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच रांची में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया 21 रनों से हार गई, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की पारी खेली, फिर भी टीम इंडिया हार गई। बदकिस्मत से सूर्य कुमार यादव ने बहुत छक्के लगाए थे। दोस्तों हम आपको बताऊँ, वहीं दूसरे T20 मैच लखनऊ में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को लक्ष्य मिला 100 रन का, जिसमें टीम इंडिया पीछा करते हुए मात्र 50 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। दोस्तों लग रहा था कि टीम इंडिया दूसरा T20 मैच भी हार जाएगी और दूसरा T20 मैच हारने के साथ ही साथ सीरीज भी हार जाएगी। दोस्तों वहीं सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी को संभाला, पारी संभालते हुए उन्होंने 26 रन का योगदान दिया, 9 ओवर खेलते हुए टीम इंडिया को जिता के ले गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने उनका साथ दिया, 15 रन की पारी खेली। दोस्तों हम बता दें आपको, सबसे बड़ी बात तो यह है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड के किसी खिलाड़ी ने एक भी छक्का नहीं चला पाया दूसरे T20 मैच में। दोस्तों वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक पारी खेलते हुए टीम इंडिया जिता दिया। सूर्य कुमार यादव ने एक चौका लगाया था, वहीं हार्दिक पांड्या ने भी एक चौका लगाया। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है, पूरे T20 मैच में लखनऊ के स्टेडियम में, जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया था, उस पूरे मैच में किसी भी टीम की तरफ से कोई छक्का नहीं लगा। दोस्तों हम आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने मात्र एक चौका लगाया था, वहीं हार्दिक पांड्या ने भी एक चौका लगाया था। सूर्य कुमार यादव ने भी कोई छक्का नहीं लगा पाया है, वहीं हार्दिक पांड्या ने भी कोई छक्का नहीं लगा पाया। दोस्तों ये टीम इंडिया 6 विकेट के बड़े अंतर से दूसरा T20 मैच जीत गई है। दोस्तों टीम इंडिया चाहेगी होने वाले अहमदाबाद में तीसरा T20 मैच हर हाल में जीती जाए और सीरीज जीतनी है, क्योंकि 2023 में टीम इंडिया अब तक कोई सीरीज नहीं आ रही है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच।